कुशीनगर में दिनांक 3/11/2024 को थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नाव मुंडा निवासी गुड्डू यादव पुत्र स्वर्गीय मूरत यादव द्वारा थाना कोतवाली हाटा पर सूचना दी गई कि दिनांक 3/11/2024 को उसकी पत्नी रेखा उर्फ शिवानी उम्र करीब 34 वर्षीय की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई व शव को धान के खेत में फेंक दिया गया। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या BNS में अभियोग पंजीकृत कराते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में टीमें गठित कर निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में गठित टीमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्य एकत्रित किए गए। CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया तथा अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर ज्ञात हुआ कि मृतका के पति गुड्डू यादव उपरोक्त द्वारा ही घटना को कारित किया गया, जिसे थाना कोतवाली हाटा द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में BNS की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद कुशीनगर में 3 तारीख को एक घटना थाना हाटा पर आई थी मर्डर की, जिसमें एक महिला की हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस केस में टीमों का गठन किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर, जिसमें की CDR CCTV फुटेज इत्यादि सब कलेक्ट किए गए और इसमें जो मर्डर करने वाला है वो महिला का पति ही निकला। इसमें इस पूछताछ में उसने ये बताया पति ने कि उसे अपने पत्नी के ऊपर शक था और उसके जो कृत्य थे उससे वो आहत था और इस मौके की तलाश में था कि कब उसको मार सके। और घटना के दिन भी उसने जो है अपनी पत्नी का पीछा किया है, पत्नी दुकान पर काम करती थी, वहां से पूछा किया है और ये CCTV के माध्यम से भी ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त की है, हुई है, जिसमें ये अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है। और मौका वारदात पर जब ये पहुंचा अराउंड 6 बजे के आसपास, तो वहां पर पत्नी के साथ में इसके बहस हुई है और फिर उसके बाद में चाकू से वार करके अपनी पत्नी की हत्या कारित कर दी। वहां पर जब कुछ लोग आगे इकट्ठा होने लग गए तो ये व्यक्ति अपने कपड़े वहीं पर फेंक कर वहीं से भाग गया था और बाद में अपने घर जाकर और नहाकर फिर वापस पुलिस के पास आकर इसने FIR रजिस्टर कराया कि मेरी पत्नी किसने हत्या कारित कर दी। लेकिन पुलिस ने हमारी जो एडिशनल SP CO साहब और इंस्पेक्टर साहब की जो टीमें थी, उन्होंने गहराई से हर पहलू पर काम किया और फाइनली पुलिस को 24 घंटे के अंदर इसमें सफलता मिली और ये सभी साक्ष्य हमने एकत्रित कर लिया है। इस व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पे अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।